तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के सामने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिति के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने, एरियर जल्द देने की मांग सहित सेवानिवृत्ति 62 से 65 करने की मांग और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ को एक मुश्त देने की मांग की गई है। संघ का कहना है कि अगर यह मांग नहीं मानी जाती है तो बिहार में 5 अप्रैल से सभी विश्वविद्यालयों में कर्मचारी संघ के द्वारा हड़ताल किया जाएगा, जिसमें पठन पाठन से लेकर परीक्षा तक को बाधित किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने राज्य सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। किस मांग को लेकर आप लोग कर रहे हैं प्रदर्शन? हम लोग विश्वविद्यालय महासंघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का आह्वान पे आज विश्वविद्यालय में आधा घंटा का नाराबाजी था। महासंघ के आह्वान पे आज हम लोग पेंशन लागू करने के लिए हम लोग आधा घंटा मतलब धरना प्रदर्शन किए। और क्या क्या मांगे हैं आप? अभी सिर्फ एक ही मांग है, पुरानी पेंशन नियम लागू करो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन करो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश राज्य सरकार निर्गत करो चिट्ठी, यही हमारा मांग है। क्या नाम हुआ? रंजीत कुमार, महासचिव शिक्षक कर्मचारी संघ।